हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन डिग्रियों की जिन्हें डॉक्टर हासिल करते हैं और क्या होता है उनका पूरा नाम और मतलब। अगर आप भी डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली और सबसे मशहूर डिग्री से, जो है MBBS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसे पूरा करने के बाद कोई डॉक्टर बनता है। इसमें मेडिसिन और सर्जरी दोनों की पढ़ाई होती है। दूसरी डिग्री है BDS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। मतलब ये डेंटल सर्जरी की डिग्री है जिसे करने के बाद कोई व्यक्ति दांतों के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट बनता है। तीसरी डिग्री है MD, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसे हासिल करने के बाद डॉक्टर एक विशेष फील्ड में स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे कि मेडिसिन, कार्डियोलॉजी आदि। इसी बाद आता है MS। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। मतलब ये भी एक ग्रेजुएट डिग्री है लेकिन ये सर्जरी से जुड़ी होती है। इसे करने के बाद डॉक्टर सर्जन के रूप में स्पेशलाइज होता है। DNB यानी कि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। मतलब ये एक ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा दिया जाता है। यह MD और MS के समक्ष होता है। FRCS, फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। ये एक उच्चतम सर्जिकल डिग्री होती है जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स द्वारा दी जाती है। इसे हासिल करने के बाद डॉक्टर इंटरनेशनल सर्जन कहलाते हैं। MCH, मास्टर ऑफ चिरुजी। मतलब ये सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। इसे हासिल करने के बाद डॉक्टर अत्यधिक विशेषज्ञता वाले सर्जिकल फील्ड्स में काम करते हैं। DGO, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ये डिप्लोमा उन डॉक्टरों के लिए है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और गर्भावस्था से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसे करने के बाद डॉक्टर होम्योपैथिक चिकित्सा में काम कर सकते हैं। ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे करने के बाद लोग नर्सिंग और मिडवाइफरी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मतलब ये डिप्लोमा है जो नर्स बनने के लिए किया जाता है। इसे करने के बाद व्यक्ति नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर सकता है। MDS, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। मतलब ये डेंटल सर्जरी में मास्टर्स डिग्री है जिससे डॉक्टर डेंटल सर्जरी के किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हैं। BYNS, बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेज। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है। DM, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ये MD के बाद की सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री है। इसे हासिल करने के बाद डॉक्टर अपनी फील्ड में अत्यधिक विशेषज्ञता हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर की डिग्रियों का पूरा नाम और उनका मतलब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप किस डॉक्टर की डिग्री के बारे में और जानकारी चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।